हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो वर्क डन होता है क्लोज सिस्टम में, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और साइन कन्वेंशन क्या होता है वर्क डन और हीट ट्रांसफर के, जब होता है सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में, उसको हम लोग बात करेंगे। देखो, वर्क डन इन क्लोज सिस्टम कंसिडरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, आपने कंसिडर किया रिवर्सिबल प्रोसेस, तो डायरेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये काफी पॉइंटेड है एक किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। दिस लेक्चर इज नॉट, ये एक जनरलाइज लेक्चर नहीं है थर्मोडायनेमिक्स का, आपका पॉइंटेड है और बेसिकली ये जो आपके जनरल इंजीनियरिंग के पेपर उसी के लिए है, तो उतना ही पढ़ाया जाएगा आपको जितना कि आपको उस पेपर में काम की चीजें है। चलिए देखते हैं, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो हमारा वर्क डन होगा ना वो होगा इंटीग्रेशन पी डी, ये P is your pressure, V is your volume, और V1 से लेके V2 तक कर दीजिएगा, you will get your work done. Work done, इस formula को लगाने के लिए condition क्या है बेटा? आपका system should be closed system आपको लेना पड़ेगा, तभी इस formula को लगाओगे, और reversible होना चाहिए बेटा, ये आपका process जो है वो reversible होना चाहिए। हम एज्यूम करते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है रिवर्सिबल है, तभी आप W=PDV आप यूज करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ये पीडीवी वर्क जो होता है, इसको डिस्प्लेसमेंट वर्क भी बोला जाता है, पीडीवी वर्क जो होता है कब लगाओगे आप या किसके लिए वैलिड है? तो किसके लिए वैलिड है? फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। सो आप किसी भी टाइप का प्रोसेस है, चाहे वो प्रोसेस आइसोट्रॉपिक हो, आइसोकोरिक हो, एडियाबेटिक हो, आइसोथर्मल हो, आपका फॉर्मूला यही रहेगा, कंडीशन बस इतना है कि आपका सिस्टम क्लोज होना चाहिए और आपकी जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल इन नेचर। तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो एंड यू विल गेट द व्हाटएवर द आंसर। अगली लेक्चर में यही बात करेंगे कि अलग अलग प्रोसेसेस में हमारे वर्क डन कितने आते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले हम लोग बात करते हैं जो हमारा साइन कन्वेंशन है वर्क डन और साइन कन्वेंशन, किसके वर्क डन और हीट ट्रांसफर के, उसको हम लोग देखते हैं। देखो, हमारा सिस्टम है, मान लो ये एक दूसरा सिस्टम, मान लिया इधर ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है। हम लोग इधर वर्क डन जो होता है ना, वर्क डन उसकी साइन कन्वेंशन दिखने चाह रहे हैं, और इधर हम लोग हीट ट्रांसफर का साइन कन्वेंशन, जो जनरल साइन कन्वेंशन है वो देखना चाह रहे हैं। इसी साइन कन्वेंशन को फॉलो करना होता है पेपर में, अगर उन्होंने कुछ और नहीं दिया है तो आपके लिए बस इसी साइन कन्वेंशन को फॉलो करना है। देखो, वर्क डन अगर सिस्टम पे करोगे तो बोलते हैं नेगेटिव। अगर सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क डन कर रहा है इसका मतलब नेगेटिव वर्क डन, और सिस्टम अगर सराउंडिंग पे वर्क डन कर रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन। जरा इसको याद करने का तरीका देखो, एक मन में अज्यूम कर लेना एक पिस्टन सिलेंडर का एग्जाम अज्यूम कर लो मन में, थोड़ा सा दिमाग में बैठाओ कि एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होगा, इसकी वॉल्यूम कुछ होगी। अब देखो, अगर सराउंडिंग ने, मतलब ये भाई ने, बाहर वाले भाई ने इस पे कछु फोर्स लगाया ऐसे, तो आपने क्या किया, इसको दबाएगा सराउंडिंग ने, अगर इस पे वर्क करेगा तो क्या होगा, पिस्टन दबेगा तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी। तो हमारा जो इंटीग्रेशन पी डीवी जब करोगे, यानी कि पी इंटू इंटीग्रेशन डीवी करोगे, यानी कि ये डीवी क्या आ जाएगा बेटा, बाद डीवी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ही तो है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो बाद में जब इस पे वर्क करोगे, जब तुम सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, सराउंडिंग ने सिस्टम पे वर्क किया, तो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो कम हो रहा है क्या भाई, ये दब के यहाँ आ जाएगा ना, पिस्टन यहाँ आ जाएगा, तो इसकी जो सिस्टम था हमारा पहले, उसकी वॉल्यूम कम हो चुकी है बेटा। यानी कि कम अगर वॉल्यूम हुआ है तो जब चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा क्या, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो ये इस याद करने का तरीका है कि मान लो सराउंडिंग ने सिस्टम पे वर्क किया, तो आप ये यूज करना कि अच्छा पिस्टन जो होगा वो क्या होगा, वो उसकी वॉल्यूम कम हो रही होगी, तो पीडीवी में जब मैं डालूंगा तो चेंज इन वॉल्यूम मेरी निगेटिव आएगी, तो ये पूरा वर्क डन निगेटिव आ जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। दूसरा वाला, अगर मान लो कि सराउंडिंग ने इसको सराउंडिंग पे वर्क किया गया, मतलब सिस्टम ने वर्क कुछ किया, मान लो सिस्टम ने इस पे वर्क किया, वर्क करेगा तो फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स लगा के वर्क करके और यहाँ पे पहुंचा दिया इसको, इसने वर्क किया,
उठाने का, लिफ्ट किया इसको पिस्टन को, इसमें कछु हुआ होगा, हीट वीट दे दिया होंगे उस वजह से कुछ किया। अब अगर ऊपर चला गया ये, तो आपका देखो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बाद वाला वॉल्यूम बढ़ गया, पहले वाला वॉल्यूम कम है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब कि सिस्टम ने अगर वर्क किया सराउंडिंग पे तो पॉजिटिव वर्क डन, सराउंडिंग ने अगर वर्क किया सिस्टम पे, वॉल्यूम को दबा दिया, कम हो गया वॉल्यूम, तो हमारा वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज योर सिस्टम, दिस इज सराउंडिंग। नाउ हीट ट्रांसफर की अगर बात करें, जो साइन कन्वेंशन, जो जनरल साइन कन्वेंशन है हीट ट्रांसफर के केस में, वो ये है कि अगर आप सिस्टम को हीट देते हो, अगर आप सिस्टम को हीट देते हो तो आपका जो पॉजिटिव लिया जाएगा, आपका जो कन्वेंशन है कि अगर मैं सिस्टम को हीट देता हूँ, भाई को मैंने कुछ हीट दिया तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और इसने हीट को लूज किया, हम सिस्टम पे फोकस रहेंगे बेटा, हीट को लूज किया तो उसको हम लोग बोल देंगे नेगेटिव। हम सिस्टम पे, सिस्टम क्या था जिसको हम लोग स्टडी कर रहे थे, कंसीडर कर रहे थे, हीट बाहर से आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ एनर्जी आ रहा है, तो एनर्जी आना मतलब जिसको कंसंट्रेट कर रहे हैं उसमें कुछ एनर्जी दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, अच्छी चीज है ना, ये तो पॉजिटिव बात है, उसके पास एनर्जी चली गई है, तो बाहर से कछु एनर्जी आई है अंदर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ट्रांसफर को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव। अगर बाहर से अंदर आई है, मतलब सिस्टम के अंदर कछु एनर्जी, हीट एनर्जी आ रही है तो पॉजिटिव, सिस्टम से अगर बाहर जा रहा है मतलब लॉस हो गया भाई, जिसपे तुम कंसिडर कर रहे थे सिस्टम पे, उसकी लॉस हो गई है, कहीं उसकी हीट एनर्जी बाहर चली गई, एनर्जी बाहर चली गई, लॉस हुआ ना उसका, तो लॉस को क्या दिखाते हैं, नेगेटिव से। ऐसे थोड़ा सा याद रख सकते हैं, याद करने का तरीका है, सो दिस इज योर नेगेटिव नेगेटिव हीट ट्रांसफर। तो आप बोल सकते हो कि हीट इनपुट अगर आपको सिस्टम में जा रहा है तो पॉजिटिव, हीट वहां से बाहर निकल रहा है तो नेगेटिव। मेरे ख्याल से आपको ये साइन कन्वेंशन समझ में आया होगा, समझ में आना चाहिए आपको, और ये लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।